संगीत आत्मा का नाद है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग, हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत सही मायनों में जीवन की कोख से ही पैदा हुआ है। जीवन की इन्हीं सुरीली संतानों को राग कहा जाता है। तो आइए, जिस जीवन का रागों ने श्रृंगार किया है, उन्हें रागों की गहराई में जाकर महानतम संगीतकारों द्वारा किए गए अध्ययनों को नमन करें। आज का राग, राग केदार। राग केदार बहुत शौक से गाया बजाया गया है, दुनिया में बहुत लोग बहुत प्यार से सुनते हैं और एक बहुत खूबसूरत राग। मगर मेरा एसोसिएशन इस राग से म्यूजिक के है ही, मगर रिदम के थ्रू बहुत हो गया। बचपने में पंडित श्यामता प्रसाद जी, बहुत बड़े तबला वादक भरानस के, वो मेरे वालिद साहब विलायत खान साहब के बहुत नज़दीकी दोस्त, और वो मुझे बार बार इस राग को बजा के उनको सुनाने को कहते थे। जब भी अपने शाम को बैठे, अरे भाई शुजात आओ ये राग सुना। और भाई बहुत ही मूड में, बहुत ऐसे तबीयतदार आदमी। एक दफ़ा रशिया में फंस गए मेरे वालिद साहब के साथ एक टूर पे, तो 10-12 दिन कुछ खाने को ढंग का नहीं मिला, इसमें मसाला नहीं है, कुछ अपने टेस्ट का नहीं मिला। तो एक ऑरेंज कैवियर होती है, छोटी छोटी गोलियां जो फिश मच्छी के अंडे होते हैं, वो उधर की बहुत एक कमाल चीज होती, लोग खाते हैं। उसको देखा, देख के कहने लगे, इन्होंने तो सोचा कि ये तो बूंदी है, मीठी बूंदी, वो प्लेट में डाल के जो खाया, और कड़वी होती है भाई मच्छी, मैं बता नहीं सकता हूं। तो उसको खा के घूम के मेरे वालिद को कह रहे, भाई मुझे मालूम था विलायत खां रसिया बड़ी बेरसिया जगह है, कहां मुझे ले आए। तो इस कहने का मतलब यह कि बड़े मूड में बड़े तबीयतदार इंसान थे और मुझे बहुत प्यार से बहुत शौक से कहते थे केदार बजाने को। इसमें बहुत अलग अलग किस्म के फिल्मों में हल्के फुल्के लाइट क्लासिकल पीसेस बनाए जा चुके हैं। एक फिल्म अंदाज, उसमें नौशाद साहब की बनाई हुई, लता मंगेशकर जी की गाई हुई एक गाना है, उठाए जा उनके सितम। आइए शुरुआत में वो गाना सुनें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उठाए जा उनके सितम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा, उठाए जा अंग
ये रंग किदार का आपने सुना। क्लासिकल वोकल में किदार किस मजे से, किस खूबसूरती से, किस तबीयत से गाया जाता है, हमारे दोस्त हैं राजन साजन मिश्रा जी, उनसे रिक्वेस्ट किया है आपको किदार का एक अपने रंग से एक क्लासिकल कॉम्पोजिशन सुनवाता।
कला रामनाथ जो वायलिन का शौकीन है वो उनका नाम जरूर जानता है। युवा कलाकार है, अभी कम उम्र है, मगर बहुत तेजी से दुनिया में नाम कर रही है, सारे दुनिया में घूमती हैं, और क्योंकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है इसलिए दुनिया में वेस्ट में भी लोग बहुत शौक से उनको सुनते हैं। उनका एक वर्णन किदार का आपको सुनाऊं। Thank you.
आप सब ने नाम सुना होगा शायर मीर। क्या किस तरह से तारीफ करूं मैं उनकी? उनकी तारीफ खुद बड़े बड़े शायरों ने की है, बड़े बड़े लेखकों ने की है, यहां तक कि गालिब साहब ने भी उनकी तारीफ करी है कि आह हा शायर हो तो मीर जैसा शायर दोबारा दुनिया में पैदा हुए। पूजा गोस्वामी ने मीर साहब की एक लिखी हुई बहुत खूबसूरत गजल को लेके अगेन केदार में उसका क्या रंग बनता है ये आपको देखिए। इट हैज अ फीलिंग ऑफ डेप्थ, एक बहुत डेप्थ की फीलिंग है वो, आप जरा इसमें हो सकता आजमा सकें, जरा सुनिए इसको। Yeah।
आपको संगीत तो सुनाई देगा ही, संगीत चाहे आज का हो या आने वाले कल का, पैदा गुजरे कल की कोख से ही हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम मौसीकी एक खोज इसी सोच पर आधारित है। फिल्मी गीत हो, ठुमरी हो, वादन हो या शास्त्रीय गायन, सबकी बुनियाद राग है। इन्हीं रागों को संगीत के अलग अलग पहलुओं से समझाने का सुरमई आईना है मौसीकी एक खोज। आप देख रहे हैं डीडी भारती।